मेरा नाम अहमद अंसारी है और मैं यूटी लाहौर के गुजरांवाला सब कैंपस से हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि क्या प्रोजेक्ट है आपका और उसके साथ साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का कितना इस्तेमाल है, ये ज़रा काइंडली ब्रीफ करें। हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया ये है कि नॉर्मल जो लोग हैं और डेफ कम्युनिटी के दरमियान जो कम्युनिकेशन का गैप है, हम उसे रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल पीपल डेफ कम्युनिटी की बात को समझ नहीं सकते। तो हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि उनके साइंस को ट्रांसलेट करेगा, और ये बेसिकली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड है। ठीक, इसके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा काम ही नहीं हो सकता। और हम मशीन लर्निंग के 4 मॉडल इस्तेमाल करते हैं, SVM, KNN और रैंडम फॉरेस्ट, और उसके अलावा गूगल की मीडिया पब लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके ज़रिए से हम उसको जो साइन है उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं टेक्स्ट में और ऑडियो के अंदर। ये आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है? हमारी वेब बेस्ड भी और मोबाइल बेस्ड भी है। अच्छा, तो ये आने वाले वक्त में एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल होगी? अभी हम एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम दोबारा अगेन iOS पे भी करेंगे। अभी हम एंड्रॉयड उसको पूरा करेंगे। तो कितने हद तक सक्सेस रेशो है इस एप्लीकेशन की, ये मार्केट में जब जाएगी और जो इस मर्ज़ से मुब्तला हैं, जो डेफ़ हैं, बाई नेचर डेफ़ हैं, ये किसी हादसे को मद्देनज़र रखते हुए किसी हादसे का शिकार हो गए हैं, वो कितने हद तक ये एप्लीकेशन उसके लिए कारामद होगी? जिसमें ये बात भी है कि हम कोई ऐसा हार्डवेयर सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे कि जो आपको ख़रीदना पड़े या परचेज़ करना पड़े। हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं जिसमें मोबाइल सबके पास मौजूद होता है और उस ऐप के ज़रिए से काम हो सकता है। ठीक, और उसमें वो ट्रांसलेटर जो कि काम करते हैं, आपको उनको तनख्वाहें भी देनी पड़ती हैं, वो काम यहाँ से पूरा हो जाएगा, ट्रांसलेशन का काम भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पुलिस की ही बात करूँ, तो डेफ पर्सन आता है आपके पास और वो आपको अपनी बात कहना चाहता है, बट आपके पास ऐसा कोई बंदा मौजूद नहीं है जो उसकी बात को समझ सके, तो आपको सिर्फ एक कैमरा फिट करना है, उसने अपनी बात साइन में कहनी है और आपके पास या तो टेक्स्ट के अंदर स्क्रीन में या आपके पास आपके हेडफोन में ऑडियो के अंदर आउटपुट आ जाएगी, आप समझ पाएंगे। तो उसमें इसको इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे हम लोग, पुलिस में, डिफरेंट महकमों के अंदर, हॉस्पिटल, पुलिस, बैंकिंग, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके अंदर। आपकी जो एप्लीकेशन है ये विजुअल्स को भी अंडरस्टैंड कर सकेगी, विजुअल्स को, या सिर्फ डेफ के साइन है उसी सिर्फ साइन को अंडरस्टैंड कर, मतलब विजुअल को नहीं कर सकेगी? अभी विजुअल। अच्छा, अच्छा, आप हमें इस जो आपने एप्लीकेशन बनाई है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। हाँ जी, क्यों नहीं। हमारा जो भी एप्लीकेशन है बिल्कुल बेसिक स्टेप पर है। ठीक, हम अभी लेटर को ट्रांसलेट कर पाती हैं, उर्दू साइन के लेटर्स को। तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसे काम होता है। अभी आप ये देखेंगे कि ये जो ब्लैक कैमरे के अंदर वो नज़र आ रहा होगा, हाँ मेरे हैंड को ले रहा है। ये आपके हैंड को ले, अब इसको मेरे हैंड को लेना चाहिए, तो आपको आपको हैंड ज़रा पीछे करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, अभी मेरे हैंड को ले पा रहा है। अभी ये साइन है बे का, ठीक है। अभी ये अलिफ है, ठीक, और इसको हम टे कह रहे हैं। ये से है, ये चे है, ये हे है और ये खा है। ठीक हो गया, अभी हम लेटर्स को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, और हमारा जो एरर रेट है वो 1 या 2% है, मतलब 99-98% हमारी एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं अभी। अच्छा। भी लाइव के अंदर, ये नहीं कि हम टेस्टिंग, हम लाइव आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक, और कोई एरर नहीं है इसके अंदर। हाँ, एरर तब हो सकता है कि जब लाइटनिंग कंडीशन कम हो जाए, अंधेरा हो जाए, या इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपका कैमरा आपको देख ना पा रहा। अच्छा, वो साइन को नज़र ना आ रहा हो या जो आप हाँ, उसको साइन कर रहे हैं, तब हमारे पास एरर ज़रूर आएगा। उसके अलावा आप किसी भी एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, चाहे वो बाहर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता इसके अंदर, कुछ किसी भी जगह पर ये काम करेगा। चलें, आपको हम गुड लक बोलते हैं कि आप कॉम्पिटिशन को विन कर सकें, कोई पोजीशन आपकी जरूर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।